एल्बो एंड नी डार्कनिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, कई लोग एल्बो एंड नी के कालेपन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और चाहते हैं आप हमारे जो स्किन का कलर है उससे हमारा एल्बो एंड हमारा नी जो है मैच करे। तो दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वो एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई सी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा फ्लैकी रहेगी, काफ़ी पिगमेंटेड रहेगी, प्लस वहाँ की एरिया काफ़ी हमारे स्किन के और सब एरिया से काफ़ी ज़्यादा डार्क रहती है, जैसे कि हमारे अंडरआर्म, हमारे एल्बो, हमारे नी एरिया। तो इन सब एरियाओं का कैसे ख्याल रखें एंड ये डार्क क्यों होता है, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको रीजन के साथ साथ आपको एक ऐसा क्रीम रेकमेंड करूंगी जिसे आप अगर इस्तेमाल करते हैं रेगुलर तो बेशक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एल्बो एंड नी डार्कनिंग, व्हाई डू दे गेट डार्क, यानी कि एल्बो एंड नी यानी घुटनों का कालापन या फिर आप अंडरआर्म्स का कालापन या आप अपने हाथों के जो नी होते हैं उसका कालापन आप देख सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है काफी लोगों में होती है। आप चाहते हैं जैसे आपके और भी बॉडी के पार्ट्स ठीक है, क्लियर है, वाइट है, स्किन स्मूथ है, वैसे ही आपके आपके एल्बो एंड नी के भी जो स्किन है वो भी वाइट रहे, स्मूथ रहे, प्लस सॉफ्ट रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे एल्बो एंड नी इतने काले क्यों होते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम के पीछे के रीजन को पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी एक क्रीम रेकमेंड करूंगी जिसे आप अगर यूज करेंगे रेगुलर तो मैं बेशक बोल रही हूँ आपके एल्बो एंड नी जो है काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वहाँ की सरफेस भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो पहला रीजन होता है फ्रिक्शन एंड प्रेशर। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट रीजन है फ्रिक्शन एंड प्रेशर। हमारे एल्बो एंड नी पर कपड़े या फर्नीचर से लगातार फ्रिक्शन होती है, जब हम बार बार उन जगह पर प्रेशर डालते हैं स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो बाद में जाके डार्क अपीयरेंस का रीजन बन जाता है। सेकंड नंबर रीजन है सन एक्सपोजर। दूसरी रीजन जो है ये है सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। सनलाइट में मौजूद हार्मफुल यूवी रेज स्किन को डैमेज करते हैं और मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जिससे स्किन डार्क होती है। तो थर्ड रीजन है डेड स्किन बिल्डअप। हमारे एल्बो एंड नी पर डेड स्किन सेल्स का बिल्ड होना बहुत ही ज्यादा आम बात है जो कि स्किन को डार्क एंड डल दिखाता है। अगर हम रेगुलर एक्सफोलिएशन करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है काफी ज्यादा और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ रीजन की बात करूंगी। देखिए, फोर्थ रीजन जो है वो है जेनेटिक्स। कुछ लोगों में जेनेटिकल ये प्रॉब्लम होती है, अगर किसी के फैमिली मेंबर्स में भी डार्क एल्बो नी की प्रॉब्लम है या गले के गर्दन के पीछे कालापन या फिर अंडरआर्म्स में कालापन है तो यह चांसेस होते हैं कि उसके आने वाले पीढ़ी भी इस प्रॉब्लम से इफेक्टेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, रीजन जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इस क्रीम का। तो ये 7 डेज ऑर्गेनिक का एल्बो एंड नी वाइटनिंग क्रीम है जिसका रिव्यू आज मैं अपने चैनल पर करने वाली हूँ, क्योंकि यह क्रीम मेरे एल्बो एंड नी के डार्क स्पॉट को फेड करने के लिए मैंने एक हफ्ते से भी ज्यादा यूज किया है इसको। उसके बाद ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रीम की पैकेजिंग की। तो दोस्तों, इस क्रीम की पैकेजिंग सिंपल है और इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि स्किन को नरिश करने का दावा करता है। टेक्सचर एंड फ्रेग्रेंस, क्रीम का टेक्सचर थिक है लेकिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रेग्रेंस भी काफी ज्यादा माइल्ड है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आया। तो दोस्तों, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मैंने इस क्रीम को डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में अप्लाई किया है। आप चाहे तो इसे आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, जितनी ज्यादा यूज करेंगे आपको रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो एरिया हमें ड्राई नहीं रखनी है, हमें काफी ज्यादा मॉइस्चराइज रखनी है और ये क्रीम उन ड्राई एंड फ्लेकी एरिया को मॉइस्चराइज करने के लिए काफी ज्यादा मददगार है। तो दोस्तों, लगाने के बाद जेंटली मसाज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो दोस्तों, चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे एक हफ्ते इस्तेमाल किया, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा लगाने के बाद कि मेरे डार्क स्पॉट काफी ज्यादा कम हो रहे हैं और स्किन टोन भी काफी ज्यादा लाइट हो रही है और स्किन टोन भी एकदम इवन हो गई है, और इस क्रीम ने मेरे उन एरिया को काफी ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बना दिया है, यानी कि लॉन्ग टाइम और यूज करने पे रिजल्ट बेशक बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस क्रीम में कौन सी ऐसी बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। तो सबसे अच्छी बात इस क्रीम की यह है कि आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाती है, प्लस ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है जिसे आप आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें
पैराबेन, सल्फेट, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों थर्ड नंबर बात ये बहुत अच्छी है कि ये आपके डार्क स्पॉट को जी हाँ कम करने में काफी ज्यादा अच्छा असरदार क्रीम है। तो दोस्तों मैं बता दूँ रिजल्ट जो है इसका हर पर्सन टू पर्सन अलग तरीके से आपको मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस 7 डेज ऑर्गेनिक के नी वाइटनिंग क्रीम का कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों ये क्रीम एक अच्छा ऑप्शन है डार्क स्पॉट को कम करने में, आपके पिगमेंटेशन को कम करने में, लेकिन याद रखें कि हर स्किन टाइप अलग होती है। तो दोस्तों इस क्रीम को एक बार इस्तेमाल करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है किसी को सूट करे किसी को ना सूट करे। वैसे इसका रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है और मुझे काफी ज्यादा ये शूट किया है। तो दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। इसका जो प्राइस है यहाँ पे काफी ज्यादा मेंशन किया हुआ है, बट आपको ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ये एल्बो एंड नी वाइटनिंग क्रीम जो है काफी कम रेट में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 7 डेज ऑर्गेनिक ने इन बातों का बहुत ख्याल रखा है कि इस क्रीम को हर तरह के पर्सन इस्तेमाल करे, इसीलिए इसका प्राइस जो है काफी ज्यादा रिजनेबल है ताकि कोई भी परचेज इसे करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस क्रीम को लगाने के साथ साथ कुछ रूटीन है, फिजिकल एक्टिविटीज है जो आपको फॉलो करनी होगी। तो चलिए पहले लाइन टू लाइन बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करनी है। सिंपल स्टेप बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है और ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो रेगुलर एक्सफोलिएशन आप मत करिए, बहुत ही ज्यादा हार्ड स्क्रबर मत यूज करिए उन एरिया में स्क्रबिंग करने के लिए। एकदम हल्का हल्का जो माइल्ड स्क्रबर होता है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है ताकि वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करे। दोस्तों सेकेंड नंबर है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है आपको, स्पेशली एक्सपोजर एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना है एंड आपको कॉटन के क्लॉथ्स ही पहनने। थर्ड में आपको बताऊंगी कॉटन के क्लॉथ्स का इस्तेमाल करें जो कि स्किन को फ्रिक्शन से बचाता है। फोर्थ नंबर में मॉइस्चराइज करें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे और डार्कनिंग कम हो जाए। तो दोस्तों आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम हैंडल ID यहाँ मेंशन कर देती हूँ, या आप मुझे यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करती हूँ सारे क्वेश्चन का। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।